अंबेडकर जयंती के अवसर पर सिमडेगा के बासिंग कराधूड़ी पंचायत भवन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों के अभिभावकों को दिलाया गया कोरोना का टीका। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर खिलाड़ियों के परिजनों को किया प्रेरित। सिमडेगा जिला प्रशासन के माध्यम से जिला के विभिन्न इलाकों में कोविड-19 का टीकाकरण शिविर लगाकर प्रत्येक दिन चल रहा है। दो दिन पूर्व हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारी मनोज कोनबेगी एवं कमलेश्वर मांझी किसी कार्यक्रम में करगागुड़ी आए हुए थे, तब उन्हें पता चला कि बहुत से हॉकी खिलाड़ी के अभिभावक अभी भी कोविड-19 का टीकाकरण नहीं करा पाए हैं। हॉकी सिमडेगा के मनोज कोनबेगी ने करागुड़ी विद्यालय के प्राचार्य फादर पॉलुस बागे एवं सहायक शिक्षक पिंकूस बड़ा से मोबाइल से बात कर कहा है कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन वो करागुड़ी में आकर खिलाड़ियों के अभिभावकों के साथ कोविड-19 का टीका लूंगा। मनोज कोनबेगी एवं कमलेवार मांझी टीका लगवाने बासिन पंचायत भवन पहुंचे। उससे पूर्व ही फादर पॉलुस बागे एवं शिक्षक सह राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी काजल बड़ा और किरण बड़ा के पिताजी पिंकूस बड़ा के साथ कई खिलाड़ियों के अभिभावक टीका लगाने के लिए पंचायत भवन पहुंच चुके थे। सबसे पहले हॉकी सिमडेगा के मनोज कोनबेगी ने टीका लिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी पीयूष डुंडुम के माता पिता के साथ राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी इलिन डुंडुम निकी कुल्लू नीरू कुल्लू अमृता मेन सीमा कुमारी अनुप्रिया सोरेन नूतन कुमारी पिंकी कुमारी नवीन मांझी मनीष बड़ा काजल बड़ा अंकित डुंडुम इत्यादि के अभिभावकों ने टीका लगवाया। अत्यधिक धूप होने के कारण कुछ खिलाड़ियों के अभिभावक जो नहीं आ पाए वे कल परसों आकर टीका लगवाएंगे। टीका लगवाने वाले सभी सदस्यों को हॉकी सिमडेगा की ओर से टीकाकरण के बाद 200 ml के ORS लिक्विड पाउच फल बिस्किट की पैकेट और एक पानी बोतल दिया गया। अपने अभिभावकों के साथ कुछ खिलाड़ी भी आए थे, उनकी भी एनीमिया जांच की गई और जिनका भी हेमोग्लोबिन कम था उन स्वास्थ्य यूपी केंद्र बासिन के चिकित्सक टीम द्वारा आयरन की टेबलेट दी गई। स्वास्थ्य उप केंद्र बासे में साफ बेतु बाला पेशा एवं प्रिंसिला तोपो ने टीकाकरण किया। टीकाकरण के पूरे समय तक मनोज कोनबेगी और अन्य मौजूद रहे। एवरी वेलकम, यू नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।